हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको सैमसंग B313 की जानकारी दूंगा। मेरे पास इसका ढक्कन शायद नहीं है, मैं इसको आपको बॉडी दिखा देता हूँ। इसकी इसका वो पीछे का बैक चिप मेरे पास नहीं है, इसकी मैं आपको बॉडी दिखाता हूँ। सही वाला इसकी बॉडी है, ये सैमसंग का सेट है डबल सिम। इसका एक सिम क्या उखड़ा हुआ है यहाँ से, ये डबल सिम का सेट है। इसका एक सिम निकाल दिया मैंने, तो इस सेट ये सेट बंद। मैं आपको एक सॉल्यूशन बताऊँगा जो बहुत बढ़िया और अच्छा सॉल्यूशन है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपने पास कोई भी सैमसंग B313 कोई भी सेट अपने पास जो आता है जो बिल्कुल डेड होता है, पावर की दबाने पे कोई पल्स नहीं लेता, एक भी पल्स नहीं लेता, जीरो जीरो पे रहता है, ना ही पल्स ऊपर आती ना ही नीचे आती है, तो उसका ये सॉल्यूशन बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। तो अपन को इसके मोबाइल को सबसे पहले अपन को इसकी रीडिंग चेक करनी होती है, कहीं शॉर्ट तो नहीं है। तो अपन सबसे पहले इसका प्लस पॉइंट चेक करेंगे, प्लस पॉइंट पर रीडिंग आ रही है। बीच वाला पॉइंट जो भी रीडिंग देता है, कभी कभी ये रीडिंग नहीं शो नहीं करता, कोई दिक्कत नहीं उससे। और ये तीसरा पॉइंट जो ग्राउंड रहता है, ये तो माइनस का पॉइंट है, ये प्लस वाला है। प्रॉपर रीडिंग आ रही है, जितनी आनी चाहिए उतनी रीडिंग आ रही है उस पर, कोई ऊपर नीचे रीडिंग नहीं है। और बीच वाले पे रीडिंग अभी शो कर रहा है, लेकिन कभी कभी शो नहीं भी करता। और ये तीसरा पॉइंट ग्राउंड है। तो इसका इससे ये सॉल्यूशन होता है, अपना मोबाइल कहीं से कोई शॉर्ट वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी अपना मोबाइल चालू नहीं हो रहा। अपन बाकू पे लगा रहे हैं, फिर भी जीरो जीरो बता रहे हैं। मैं आपको चेक कराता हूं बाकू पे लगा के। तो देखिए इसको मैंने बाकू पे लगा लिया है। ये लाल वाला पॉइंट मैंने प्लस पे लगाया हुआ है, और ये काला वाला माइनस पे लगाया हुआ है, और ये मेरा सेट है। अब मैं इसकी पावर की दबाऊंगा। देखो मैं इसकी पावर की दबा रहा हूँ, लेकिन बाकू पर कोई भी हलचल वगैरह नहीं, मतलब कोई पॉइंट ऊपर नीचे नहीं हो रहा। बाकू बिल्कुल साइलेंट मोड पे है, मतलब उसमें कोई रीडिंग नहीं आ रही। मैं इसकी पावर की लगातार दबा रहा हूँ, जैसा आपको दिख रहा होगा मैं चिमटे से दबा रहा हूँ। इसका पत्ता निकाल के रखा मैंने, और मैंने कोई बटन भी नहीं दबाया। देखिए यहाँ नीचे से ये, और इसका एक ही सॉल्यूशन है जो बहुत सिंपल। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ कोई भी सेट हो सैमसंग का होना चाहिए बस। आपको सैमसंग का कोई भी सेट हो तो उसके लिए एक सॉल्यूशन करना है। तो अपन को सबसे पहले ये आपको इसमें आईसी दिख रही होगी, ये इसकी पावर आईसी है मोबाइल की, ये वाली पावर आईसी है, और ये नेटवर्क आईसी है। और इसके बगल में एक छोटा सा ये पॉइंट लगा हुआ है नेटवर्क वाला, जो आपको दिख रहा होगा, ये नेटवर्क वाला ये पॉइंट रहता है, जिसके चार टांग रहते हैं, 1 2 3 4। कुछ नहीं करना आपको, इसको रिप्लेस करना है, मतलब इसको निकाल के दूसरा लगाना है। दूसरा कहाँ से मिलेगा, सेम पी सी में से, मोबाइल की सेम पी सी, मतलब कोई भी पी सी भी हो सैमसंग की होना चाहिए। B313 हो, B310 हो, या B110 हो, या Guru 1200 हो, कोई भी हो, उसका ये वाला पॉइंट अपन को निकाल के दूसरा लगाना है। इसका ये रिमूव करके मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे करना है। मेरे पास इसकी सेम पीसीबी पड़ी हुई है, बिल्कुल सेम पीसीबी है मेरे पास इसकी। तो मैं सेम पीसीबी में ये पॉइंट लगा हुआ है, इसमें भी ये पॉइंट लगा हुआ है, तो मैं आपका ये पॉइंट निकाल के रिमूव करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। पहले इसमें से निकाल लेता हूँ मैं, तो ये वो पॉइंट जो निकालना था मैंने निकाल दिया है। और ये मेरी पीसीबी, इसमें से ये चार टांके खाली रह गए, इसका पॉइंट निकाल, इसको मैं साइड में कर लेता हूँ। तो जब भी अपन को कोई पॉइंट निकालना, तो उसको आईसी को ढक लेना चाहिए पूरा, जिससे कि आईसी पे हीट ना लगे। तो मैं आईसी को ढक लेता हूँ, यहाँ तक मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये नीचे पॉइंट पड़ा हुआ, इसको साइड में कर लेते हैं अपन। क्या कैमरा का फोकस इतना ज़्यादा नहीं है, फिर भी मैं आपको रिप्लेस करके दिखा रहा हूँ। पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, वही चीज़ रिप्लेस करनी है। तो ये मैंने इसका भी निकाल लिया है, देखो आपको इसका पॉइंट दिख रहा होगा, ये वाला इसका पॉइंट है। तो इसमें इसको मैं साइड में कर देता हूँ, और जो ये वाला पॉइंट है दूसरी सेम पीसी में निकाला था मैंने, ये इस पे रख देता हूँ। इसको रख के हीट करना है अपन को, इसको उसी मॉल दूसरे मॉल जो अपना बनाना है उस पर सेट करना है। तो ये अपना सेट हो गया उस पर, तो ये मैंने इसको चिपका दिया हुआ है साइड से। अपन का बोर्ड को ठंडा होने का इंतजार करना है, अभी बोर्ड गर्म है तो इसको थोड़ा ठंडा करने का इंतजार। तो हमारा बोर्ड ठंडा हो गया है, अब मैं आपको इसको बाकू पे लगा के चेक कराऊंगा। तो सबसे पहले अपन को कैमरा को जूम करना है अपने बाकू पे। मैंने अपने कैमरे को बाकू पे जूम कर लिया है, तो मैं आपको पूरी एक एक फ़ोटोज़ दिखा रहा हूँ, कहीं से ये ना लगे कि मैंने कहीं दूसरा सेट उठा लिया आपको फेक लगा हो, तो ये बिल्कुल नहीं है। ये देखिए जो आपने वो कॉइल चेंज किया था, इसका ये वाला कॉइल है जो आपने चेंज किया था। ये नेटवर्क का कॉइल रहता है, ज़्यादातर नेटवर्क की समस्या है, तो इसको भी चेंज करके दिखाना है।
ज़्यादातर अगर सेट बंद हो आपका तो मैं ये माइनस वाला पॉइंट निकाल के दोबारा लगाऊंगा तो बाकू पे थोड़ी बहुत रीडिंग आ सकती है। देखो बाकू भी एक रीडिंग 9 तक ले रहा है इसका। ये वैसे सेम जैसे मैं आपको पहले बटन दबाया था इसका, देखो कहीं से कुछ नहीं है। ये प्लस वाला पॉइंट प्लस पर लगा हुआ, माइनस वाला माइनस पर लगा हुआ है और कहीं से कुछ नहीं लगा इसमें। और इसमें मैं डायरेक्ट इसको दबाऊंगा तो बाकू देखो बाकू भी आ जाएगा, आपका सेट चालू है। सॉरी एक मिनट दोबारा से करता हूँ मैं। मोबाइल चालू करने के बाद तक आपको हमेशा मोबाइल बैटरी से चालू करना है, लेकिन मैं मेरे पास बैटरी नहीं है, चार्ज बैटरी नहीं है, सॉरी बैटरी तो बहुत है पर चार्ज नहीं है। तो मैं आपको डायरेक्ट इसका बाकू से दिखा रहा हूँ। तो बाकू अगर यहाँ से अर्थिंग लेने पर ना हो तो आपको सीधा ये प्लस वाला पॉइंट है इसको प्लस पर लगा रहना है, और जो दो पॉइंट है उनको माइनस पर कनेक्ट करना है। तो उसके बाद अपन को सेट को चालू करना है। तो देखिए पॉइंट प्लस लेगा, ये देखिए सेम सेट वही है जो इसका मैंने कॉइल चेंज किया था। ये देखिए ये वाला कॉइल मैं चेंज किया था इसका, ये वाला कॉइल आपको दिख रहा होगा, ये कॉइल मैं चेंज किया था इसका। इसके बाद अपना सेट चालू है, वाइट डिस्प्ले यार इसमें ये आ गया और बाकू भी देख लीजिए। और उस कॉइल को चेंज करने के बाद अगर वो नहीं चालू होता, कॉइल चेंज करने के बाद भी कभी चालू नहीं होता, कॉइल चेंज करने के बाद पल्स लेगा जरूर, 2-4-5 तक पल्स लेके बैक हो जाए, 2-4-5 पल्स लेके बैक हो जाए, नहीं हो पाए तो उसके बाद अपने को चार्जिंग आईसी, ये वाली जो दी हुई इसकी चार्जिंग आईसी है ये वाली जो छोटी वाली लंबी, तो ये चेंज करना है। उसके बाद आपका 100% चालू हो जाए। किसी किसी मोबाइल में क्या रहता है बिल्कुल चालू नहीं होता, कॉइल्स को लगाते हैं 4-5 तक पल्स लेता है उसके बाद चालू नहीं होता, 4-5 तक पल्स लेता है दबाने पर चालू नहीं होगा। तो उसके बाद अपन को सीधी इसकी चार्जिंग आईसी जो इस कनेक्टर के बगल में एमएमसी के बगल में लगी हुई है तो इसको रिप्लेस करके दूसरी लगाना है। तो उसके बाद ये 100% चालू होगा। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।